डीजी डॉक्टर वीना सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के रहने वाले एड्स से ग्रसित लोगों को हर माह 2250 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। डायरेक्ट सरकार ने इसके लिए 17 करोड़ सेक्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 17,000 HIV पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें 580 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 9 नए सेंटर खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, हिसार, कैथल सहित अन्य सेंटरों में एड्स का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रति माह 2250 रुपए मिलने से ऐसे मरीजों को कुछ मदद अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। सुनिए एडीजी डॉक्टर वीना सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। नए प्रिकॉशंस या फिर आप लोग रिकमेंड करेंगे कि लॉकडाउन की नाइट कर्फ्यू की ऐसी कोई जरूरत है? नहीं, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हर कोई वैक्सीनेट हो। हमारा टारगेट रहेगा 60 लाख लोगों का अगले 1-1.5 महीने में सबका वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीनेशन के फायदे हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, जिससे कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा टारगेट हमारा रहेगा कि हम वैक्सीनेट होए। हर किसी से गुजारिश है, अब तो जनरल पॉपुलेशन के लिए भी आज से ओपन हो गया है वैक्सीनेशन। ऑल एजेस, ऑल एज ग्रुप एंड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हर कोई जाके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाके वैक्सीन लगवाए। तो मेरा सबसे बड़ा पहला कदम होगा कि वैक्सीनेशन का अग्रेसिव ड्राइव करें, क्योंकि अब सबके लिए ओपन हो गया है। दूसरा भी, अब हमारी टेस्टिंग बहुत अच्छी हो गई है। हमारे पास RT-PCR लैब हर ज़िलों में है, टेस्टिंग कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। अब क्योंकि वैक्सीनेट हो रहे हैं तो जितना पहले प्रकोप था कोरोना का, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन अब इतना भयंकर नहीं होगा। सो होपफुली वैक्सीनेट जितने जल्दी हम हरियाणा को कर दें, उतनी जल्दी हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे। और इसके बावजूद अगर हो भी जाएगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट में इन द लास्ट 1 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट हो गया है कि हम कोरोना के मरीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए। आई थिंक वी शुड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ गैदरिंग्स, नंबर फिगर हेड्स इन गैदरिंग्स, उसके अंदर विचार करना चाहिए कि बड़ी गैदरिंग्स ना हो। जितना ज़रूरत हो उतना ही मूव करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। और जो 3 चीज़ें थी, 3 वैक्सीन, हम सोचते हैं कि वैक्सीनेशन ही सब कुछ है, सबसे बड़ी चीज़ है द मास्क वैक्सीन, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ें। नंबर 2 हैंड वॉशिंग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग। दीज 3 फैक्टर्स अलॉन्ग विथ वैक्सीनेशन एंड रोबस्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग हरियाणा में अब सबसे अच्छी है कंट्री में। तो मुझे लगता है 3rd वेव आए, इसके बाद भी वेव आए, वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। सो टारगेट शुड बी 1, वैक्सीनेट, वैक्सीनेट एंड वैक्सीनेट। मैडम, कंटेनमेंट जोन जैसे पहले बनाते थे, पूरी दिल्ली को बनाते थे, हाँ, अब उसमें जैसे ट्रेसिंग के लिए क्या उसका प्रावधान है, कितने घर उसमें लेते हैं? देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत टीडियस प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैन पावर लगाते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि कोरोना हेल्थ डिपार्टमेंट में कोरोना बहुत ज़्यादा मैन पावर को ले रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको वहाँ डिप्लॉय करें जिससे रिजल्ट मैक्सिमम आए। तो हमारा फोकस अब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन पे होना चाहिए। सो आई वुड से मोर देन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन, वी शुड वर्क ऑल टू वैक्सीनेट, वैक्सीनेट एंड वैक्सीनेट। थैंक यू, थैंक यू मैम। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।